अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अलफला के सरमाकारी अकाउंट पे। ये अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, इस अकाउंट की बदौलत आप ऑनलाइन अलफला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये अकाउंट बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैं अपने बैंक अलफला की जो ऐप है ऑफिशियल, इसे लॉगिन करता हूँ अपनी फिंगरप्रिंट की मदद से। तो जैसे ये लॉगिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अकाउंट बनाने का तरीकाकार बताऊंगा, ठीक है। तो अलफला म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके फिलहाल अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेट का थोड़ा इश्यू है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो नज़र आपको एक लाइन आ रही है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जो नीचे ऑप्शन है ऑर्बिट्स के ऊपर सेविंग का, इस पर हम क्लिक करते हैं। कैसे दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख लें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इन दीगर ऑप्शन पे अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इंशाल्लाह एक एक करके मैं वीडियो बनाऊँगा, अल्फा सेविंग अकाउंट, अल्फा टर्म डिपॉजिट और गोल्ड सेविंग, ठीक है, IPS वगैरह पे। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड है, ये एक बैंक अलफला का अकाउंट है सरमाकारी, उसका तरीक़ेकार इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने का, आप कैसे ओपन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड पे। मैं अभी क्लिक करता हूँ, जैसे दोस्तों मैं इस म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं ओपन सरमाकारी अकाउंट, ठीक है। तो मैं इस अकाउंट की बात कर रहा था, आज इस वीडियो में आपको तरीक़ेकार इस बताऊँगा कि ये अकाउंट कैसे ओपन हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट का भी आपको जो नीचे नज़र आ रहा है ओपन सहूलत सरमाकारी अकाउंट, उसके मुतालिक भी गाइड करूँगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ओपन सरमाकारी अकाउंट पे, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इन तमाम ऑप्शन को फिल अप करता हूँ तो फिर आगे का आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे मैंने फिल अप कर लिया और तमाम की डिटेल अगर आपके साथ शेयर करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो चीज़ समझ ना आए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, मैं आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई करूँगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगी तो इंस्टाग्राम पे आप आकर SMS और या वॉइस मैसेज भी मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको बता दूँ, US सिटीज़न, तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि आप अमेरिकन सिटीज़न, तो यहाँ पर आपने नो, ठीक है। मेलिंग एड्रेस दोस्तों आपका जो होता है डहाना, उसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस, वो आपने लिख लेना है, ठीक है। सिटी आपने लिखनी और कंट्री कोड 92 आपने, मेल और टैक्स स्टेटस में आपने, अगर फाइलर हैं तो फाइलर, नहीं तो आप नॉन फाइलर लिखेंगे। यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं आगे का क्या सीन होता है, ठीक है। तो अभी हमें कुछ और डिटेल, अगर आपका ये अलफला ऐप बना होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो है ना फिल अप हो जाएंगी डिटेल जो आगे का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे एक सेकंड थोड़ा रीड आउट कर लूँ फिर आपके साथ शेयर। दोस्तों, ये अकाउंट 4 स्टेप है, अभी हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है इस कॉलम में कैश स्टॉक डिवाइडेड, तो यहाँ पर री इन्वेस्ट और बॉन्ड यूनिट है, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट इन अकाउंट, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ क्रेडिट अमाउंट इन अकाउंट, इस पे हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे आप चेक करें, मैं इसको जल्दी से फिल करता हूँ फिर आपके साथ आगे की मालूमात। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात है, यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं डू यू विश टू रिसीव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यस, तो मैंने यस किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेल पर आपने क्लिक करना है नीचे, फिर मेल पर अगर आपको SMS के ज़रिए मालूम चाहिए तो आप SMS पे क्लिक करेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या प्रोफेशनल पे क्लिक कर लें अगर मुझे तो ये बेहतर लगे। यहाँ पर आपने बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस को चूज़ करेंगे, नहीं तो जो आपके मुतलिक ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है। नीचे भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्लिक करें, अपना जो आपका बिज़नेस है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप पंजाब, बलूचिस्तान वगैरह, आज़ाद कश्मीर, सिंध के भी के जहाँ से भी हैं वो आप चूज़ करेंगे। नीचे पंजाब मैंने चूज़ कर लिया, और यहाँ पर ऑनलाइन या फिजिकल, ऑनलाइन हम इसे चूज़ करते हैं। पूछ रहे कि ट्रांजेक्शन मंथली आपके कितनी, भाई लोग मैंने 10 पे क्लिक किया, ठीक है। तो फिर नीचे पूछ रहे कि कितनी अकाउंट मंथली होगी,
ठीक है, अकाउंट में मंथली पेमेंट पैसे कितने होंगे, तो ये मैंने इसको बता दिए कि यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑप्शन वन पे क्लिक किया और नेक्स्ट करते हैं। लेट्स सी हमारा फोर नंबर जो ऑप्शन है अभी मैं दोस्तों ये जितने ऑप्शन हैं ऑलरेडी इस पर नो हुआ है, ठीक है। आप रीड आउट लाजमी कर लीजिएगा, मैंने इसे किसी भी ऑप्शन पे यस नहीं किया, तमाम को नो ही रहने दिया है और ऑनलाइन मैंने चूज़ किया है, मतलब सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक सेकंड, दोस्तों मैं क्विकली आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कितने मंथ के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैंने 6 पे क्लिक किया है, ठीक है। और यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो रिस्क लेवल है वो चूज़ करें, लो की है, बैंक डिपॉजिट इस ऑप्शन पे मैंने चूज़ किया है, ठीक है। आप नीचे देख लें, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं और जर्नल, और इसमें आप देख लें एजुकेशन का पूछ रहे, मेरिट का पूछ रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड, और नीचे आप चेक कर लें, ठीक है। तो तमाम आप इस तरह इस फॉर्म को फिल करेंगे, जो चीज़ आपको समझ ना है लाजमी कॉमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। इसे मैंने फिलअप किया और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये अकाउंट बहुत भयंकर फिलहाल में, अगर आप अकाउंट ओपनिंग करवाएं तो तब भी बहुत लंबा प्रोसेस है इनका, ठीक है। टर्म कंडीशन रीड आउट लाजमी और देखते हैं इसके बाद एग्री और फिर हमारा सेपरेट, ठीक हो गया। प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ओके। नेट का शायद इशू होगा लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, डियर कस्टमर योर म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव। तो वीडियो बहुत मेहनत और प्रैक्टिकल, मतलब आप देख लें यार, अंदाज़ा करें काफ़ी टाइम इस पर लगता है और मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को कवर करूँ, और आप लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉक्सिंग स्टूडियो।